चार दिन से, 72 घंटों से टू बी प्रिसाइज, दिलीप साथी दिलीप बिना खाना बिना पानी के यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ मुद्दों के साथ। वाइवा को 30 से घटाकर, वाइवा का परसेंटेज 30 से घटाकर 15% किया जाए, 10 से 15, और माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट्स का मुद्दा लेकर, फी हाइक को रोल बैक करने का मुद्दा लेकर, माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट्स, नजीब के कल्प्रिट्स को सजा दिलाने का बात, सही सजा दिलाने का बात को लेकर, और फैकल्टी पोस्ट में रिजर्वेशन का बात, ओबीसी एसटी एससी रिजर्वेशन का बात, ये तमाम मुद्दा लेकर जो 72 घंटों से ऊपर हो गए हैं, इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, ब्लड इज पासिंग फ्रॉम हिज यूरिन, किडनी फेलियर का एक पॉसिबिलिटी है, भयानक सिचुएशन है, उनको मैं लाल सलाम करना चाहूँगी। और मैं कंडेम करना चाहूँगी इस बात को, जब धर्मराज साथी धर्मराज बोल रहे थे तो एक आयशा का कार्डर बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपको कॉमरेड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और पर्सनल स्लैंडरिंग में फर्क जानना पड़ेगा, और इसको मैं इस पंच से कंडेम करना चाहूंगी इस बात को। मजा लेने का राजनीति आप लोग कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। और ये आप इस पूरे एरिया को देखिए, पौधे लग गए हैं, यहाँ पर गेट लग गया है, यहाँ पर द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट इज हैलोजन लग गया है, कि आप रात में यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, कि वहाँ पर हंगर स्ट्राइक के साइड पे बैठ के लोग क्या कर रहे हैं, ये सारा चीज दिखे। सर्वेलेंस आपके ऊपर है, संघ आपके ऊपर नाच रहा है, दिस वीसी, दिस आई विल इन अ वेरी क्रूड सेंस, दिस इडियट इज डांसिंग ऑन आर हेड्स, संघी इडियट इज डांसिंग ऑन आर हेड्स। ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोग को वेलकम करना चाहूंगी अनफ्रीडम स्क्वायर में, क्योंकि इस जगह को, इट इज नथिंग लेस देन अनफ्रीडम स्क्वायर, जिस जो लेक्चर सीरीज का बहुत दुआई दे रहा है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आर टीचर्स, बट जिस लेक्चर सीरीज का दुहाई दिया जा रहा है, दैट विल कल्मिनेट इन टू अ बुक लॉन्च, एंड सो सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी विल कम थ्रू हार्पर कॉलेज। ये आपका पॉलिटिक्स है, एंड JNUSU इज टोइंग द लाइन्स ऑफ JNUTA, और वही JNUTA के लोग, यही लोग बैठ के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वाइवा में। आई एम सेइंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग टारगेटेड, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑल थ्रू माय PhD, जितना PhD मेरा बचा है, 1.5 साल बचा है, एट द कॉस्ट ऑफ दैट आई एम सेइंग ऑल दिस। और कुछ बातों को यहाँ पर मैं रिटरेट करना चाहूँगी, मैं कुछ ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखना चाहूँगी, शोमू सर ने रख दिया, साथी धर्मराज और बीरेन ने रख दिया है, पर कुछ बातों को रिटरेट करना ज़रूरी है। नजीब इस कैंपस से अब इट्स ऑलमोस्ट 100 डेज दैट ही इज नॉट हियर, उसका एनफोर्स डिसअपियरेंस हुआ है, हम लोग फिर भी कॉम्प्लेसेंट है, कल्लोल हो रहा है, शर्म आना चाहिए HL के कन्वीनर को, कासिम को, कि वो कल्लोल इस समय जब, एंड ही वॉज द पर्सन हु साइन ऑन द वेरी शीट वेर इट वॉज रिटन दैट नजीब इज गिल्टी ऑफ मॉब वायलेंस, ऑफ स्लैपिंग विक्रांत, हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, आर वी नॉट गोइंग ऑन डिफेंसिव, ग्रिल का आधा ग्रिल लगा हुआ है, उसका फोटो आप फेसबुक पे चढ़ाने का टाइम है, पर उसको रोक दे, उसमें नहीं आपको जाना है, क्यों, क्योंकि ये कर देंगे तो नोटिस आ जाएगा। आई वॉन्ट टू रिटरेट दिस पॉइंट, आई बीन सेइंग ऑल दिस वाइल, दैट जितना डिफेंसिव पे हम लोग जाएंगे उतना ऑफेंसिव ये एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, एंड लेट मी गिव इट टू यू इन रिटन,
दैट जितना आप डिफेंसिव पे जाएंगे उतना ही आप पे दमन होगा। आज 9 लोगों को सस्पेंड किया है, कल हो सकता है और लोगों को सस्पेंड करें। और मैं बोलती हूँ, मैं इस पीसी को बोलती हूँ कि जब से आपने ज्वाइन किया है, कान खोल के सुन ले, सर्वेलेंस कैमरा से देख ले, टेप कर ले कि हम आपने 9 फरवरी मत जब से ज्वाइन किया है तब से एक दमन का पूरा ट्रैजेक्टरी शुरू कर दिया है आपने। आपने हमारा एकेडमिक्स, हम स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आए हैं और आज के डेट में साथी दिलीप को अपना पीएचडी का क्रूशियल ईयर छोड़ के यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बिना पानी बिना खाना के बैठना पड़ रहा है। 9 लोग सस्पेंड हुए हैं, उनका पढ़ाई का बहुत पीछे छूट गया है, मेरा खुद का पढ़ाई बहुत पीछे छूट गया है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा 54 मार्क्स आता है, 54 मार्क्स आई गेट इन माय रिटन। आई वाज द सेकंड, आई स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री रिटन एग्जाम। इन 2011 आई ज्वाइन एंड आई गेट एन 8 इन माय वाइवा, डिस्पाइट ऑफ माय वाइवा गोइंग वेल बिटवीन 25 to 30 मिनट्स, गुड हाफ एन आवर आई वॉज एबल टू कन्विंस ऑल द टीचर्स। I was able to give my primary sources. I was able to give my secondary sources. I was able to give a crisp topic which very few students are able to do when they come into MPhil. But jab main confront and I get an 8 when I confront one of the teachers of my center, old experienced teachers, bada bada publication hai unka. But उनको मैंने पूछा कि मैम व्हाट आपने मेरे को इतना कम मार्क्स क्यों दिया वाइवा में। उन्होंने बोला कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स दे देते तो आप जनरल में क्वालिफाई करते। ये है एटीट्यूड यहाँ के टीचर्स का, हु राइट वेरी रेडिकल प्रोग्रेसिव बुक्स। एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस एंड अटर ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। But social injustice doesn't happen in abstraction. Somebody is doing, somebody is discriminating you. Somebody is doing injustice with you. Somebody is giving you less marks in Viva. And this is a trajectory in all the centers, across the centers, across the schools. Why this is happening, the teachers should introspect. Or kaun isko legitimacy de raha hai, ye prashasan should also take this into cognizance. और ये बात जो बार बार आता है कि ये एडवेंचरिज्म हो रहा है, पिछले दिनों एसएफआई के एक कॉमरेड ने यूजीसी के सामने कहा इन्फेंटाइल एडवेंचरिज्म, सो ही वांटेड टू से परहैप्स इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, पर उनके दिमाग में एडवेंचरिज्म भी था तो इन्फेंटाइल एडवेंचरिज्म कह दिया। तो चलिए, लेकिन ये इन्फेंटाइल एडवेंचरिज्म कोट अनकोट, ये आपको कहाँ दिखता है? क्या चंदू, कॉमरेड चंद्रशेखर इस कैंपस के 2 बार JNUSU प्रेसिडेंट हुए, सिवान में मारे गए, उनको ये इन लोगों ने, फ्यूडल लोगों ने गूंज ने मार दिया, वो उन्होंने फी हाइक के अगेंस्ट इसी पिंक पैलेस के को घेरा था, उसको क्या आप एडवेंचरिज्म बोल देंगे? या 2010 का वो घटना जो नॉर्थ गेट में पत्थरबाजी हुई थी, उसको आप एडवेंचरिज्म बोलेंगे? या वर्कर्स मूवमेंट में जो ऑफिशियल्स का गाड़ी रोका गया था, उसको क्या आप एडवेंचरिज्म बोलेंगे? क्या बार बार, और ये कास्टिस कास्टिस किसको कहते रहते हैं आप? I am fed up of this word casteist. आपका एनिमी कौन है? ये दिलीप यादव है क्या आपका एनिमी? ये प्रवीण थल्लापल्ली है क्या आपका एनिमी? कौन है आपका एनिमी? आपके स्पीच में पहली लाइन होती है बापसा के खिलाफ। I am, and mind you, I am a left activist.
ये क्यों हर बार वी हैव टू फोर्ज द यूनिटी द मार्जिनलाइज मतलब उन्हीं का ओनस द ओनस इज ऑन देम टू फोर्ज द यूनिटी. आपको तो किसी ने नहीं रोका था पहले दिन फ्राइडे को आने से. आपको तो किसी ने नहीं रोका था घेराव को इनिशिएट करने में. आपको तो किसी ने नहीं रोका था ये कुछ चीज़ें जो कमिटी कर रहा है ये एकेडमिक काउंसिल को रोकने से. ये कास्टिस्ट कास्टिस्ट क्या बोलते रहते हैं. जब हम लोग असर्ट करते हैं तब हम लोग कास्टिस्ट हो जाते हैं. एंड आई विल रिटरेट धनराज अगेन, जब आप लोग जब असर्ट कर रहे हो तब वो सोशल जस्टिस है. आई कमिंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज बैकग्राउंड आई वॉन्ट टू से कि झारखंड में मेरे प्रदेश में लोग अगर झारखंड बंद कर रहे हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में वायलेशन में अमेंडमेंट्स को पुश बैक करना चाह रहे हैं, अगर वो झारखंड बंद करना चाह रहे हैं और उसमें अगर एक ट्रक जला दे रहे वो एडवेंचरिज्म नहीं है, वो उनका आइडेंटिटी का सवाल है, वो उनका लैंड लाइवलीहुड का सवाल है. एंड माइंड यू टेक दिस इफ यू कंसिडर माई एरोगेंस देन टेक इट लाइक दैट. और मुझे लगता है कि अभी अगर हम लोग नहीं जगे हम लोग को शर्म आना चाहिए. नजीब की माँ इधर आती है हम लोग वहाँ पर बोल भी नहीं पाती है, वो रोते रहती है. वी आर क्रिएटिंग अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ हर. एंड फॉर मी नजीब नजीब फैमिली नजीब मदर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड नॉट अ वल्नरेबल वुमन. एंड दैट इज द स्पिरिट विच वी शुड गो ऑन. और मैं ये रिटरेट करना चाहूंगी फिर से कि आइए सब लोग इन सॉलिडारिटी ऑफ द सस्पेंडेड स्टूडेंट्स. मैं भी अपना रेजिग्नेशन को आई एम रेडी टू टेंडर माय रजिस्ट्रेशन. हम लोग सब करें, लेट्स टेक एन ऑफेंसिव, लेट अस डू समथिंग, लेट अस नॉट बी स्लीपिंग हियर. कल को आप पढ़ के निकल जाएंगे. दिलीप को कुछ नहीं करना है, इसको मन करता तो इसको ये अपना PhD लिख के चला जाता. ही इज फाइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द MA स्टूडेंट्स इन सेकेंड ईयर वो आर गोइंग टू एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स वो आर एस्पायरिंग टू कम इन टू JNU. यहाँ पर किसी को किताब नहीं लिखना है नेता बन के. पब्लिकेशन का मौसम है तो आप बहुत अच्छा एड्रेस कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए, नेता बन जाइए एक मूवमेंट का. और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और राजकमल और जगरनॉट से पब्लिश करा दीजिए. क्या फर्क पड़ता है. ये चीज हम लोग को यहाँ से रिटरेट करनी पड़ेगी. इफ वी आर क्लोटिंग द ग्लोरियस लेगेसी ऑफ JNU, लेट माइंड यू लेट अस ऑल कम फॉरवर्ड. और हम लोग अपने में इंट्रोस्पेक्ट करें. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी. इनकलाब जिंदाबाद.